डिपार्टमेंट, यहाँ पर आपको एक सूचना दी गई है कि एवरेज कस्टमर और पार्टनर्स के लिए जो मेल है वहां पर डिपार्टमेंट, एथिक्स डिपार्टमेंट का, वो चेंज कर दिया गया है। अब यदि आप वहां पर कोई भी अपील करना चाहते हैं या कोई भी प्रपोजल रखना चाहते हैं या फिर कोई भी फैक्ट्स बताना चाहते हैं जो कि आप आपके किसी पार्टनर के द्वारा कमिटेड हैं, किए गए हैं इनकरेक्ट, या कोई वायलेंस की बात है या किसी भी पार्टनर के अधिकारों की बात है, तो आप यहाँ पर ethics@evo.rich यहाँ पर आप इसे मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपकी एथिक्स डिपार्टमेंट को जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आप लोग, या किसी पार्टनर के कोई बात बतानी है आपको, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं। द इवोरिज एथिक्स डिपार्टमेंट एक्ट 2 किस काम के लिए बनाया गया डिपार्टमेंट? मेंटेन ए हाई रेपुटेशन ऑफ द कंपनी इन द आईज ऑफ कस्टमर एंड पार्टनर। जो हमारे कस्टमर और पार्टनर हैं तो वहां पर कंपनी की एक रेपुटेशन को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, कि बहुत सारे लोग इसके बारे में गलत वो ना करें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट कंपनी से यहाँ पे एथिक्स डिपार्टमेंट से कंसल्ट कर सकते हैं। मेंटेन द कंपनीज इमेज एट ए हाई लेवल एंड अवॉइड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। तो काफी सारे लोग हैं जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस रिलीज करते हैं, तो वो ना हो इसलिए एथिक्स डिपार्टमेंट हमारे पास है। इफेक्टिवली इंटरेक्ट विद पार्टनर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड कस्टमर्स। तो यहाँ पर इंटरेक्ट करने के लिए भी ये बनाया गया है, वो डायरेक्टली जो है अगर कोई बात है तो वो डायरेक्टली यहाँ पर आपसे बात कर सकते हैं, गवर्नमेंट एजेंसी से बात कर सकते हैं, कस्टमर से बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर है गुड रेपुटेशन बनाने का जो फर्ज है वो हमारा खुद का भी है कि हम लोग भी इसके अंदर हेल्प करें ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी और डिसेंसी के साथ।